हेलो स्टूडेंट्स पेरेंट्स हाउ आर यू आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल दिस वीडियो विल हेल्प योर चाइल्ड टू रीड अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी थ्रू स्टोरी इफ नॉट एवरी डे देन एटलीस्ट शो एंड एक्सप्लेन टू हिम टू और थ्री मॉरल स्टोरीज अ वीक यह वीडियो कहानी के माध्यम से आपके बच्चे को इंग्लिश हिंदी पढ़ने समझने और बोलने में मदद करेगी रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में दो या तीन मोरल कहानियां उसे दिखाएं और समझाएं। सो लेट्स बिगिन रीडिंग द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड अ वेरी ब्राइट एंड क्लेवर बॉय इन अ विलेज एक बार की बात है एक गांव में बड़ा ही होनहार और होशियार लड़का रहता था दैट बॉयज नेम वॉज श्याम उस लड़के का नाम श्याम था श्याम यूज टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग श्याम रोज सुबह जल्दी उठता था ही ऑल्सो डज ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स इन द हाउस घर के सारे छोटे बड़े काम भी करता ही वेंट टू स्कूल एवरी डे रोज स्कूल जाता था ही प्लेड विथ माय फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ खेलता था श्याम लव टू ईट लेंटल ग्रीन वेजिटेबल्स मिल्क कर्ड देसी घी शाम को दाल हरी सब्जियां दूध दही देसी घी खाना बहुत अच्छा लगता था ही बिलीव दैट ऑल दीज थिंग्स गिव मोर स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड कीप द माइंड हेल्दी उसका मानना था इन सब चीजों से शरीर को अधिक ताकत मिलती है और दिमाग तंदरुस्त रहता है श्याम वॉज वेरी गुड एट स्टार्टिंग शाम पढ़ाई में बहुत अच्छा था He used to do his school work ahead of time. अपना स्कूल का काम वक्त से पहले कर लेता था. His parents were poor farmers. उसके माता-पिता गरीब किसान थे. Farming used to run their household expenses. खेती-बाड़ी से उनका घर का खर्चा चलता था. They had a small land in which they used to earn their living by growing crops himself. उनकी छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खुद फसल उगाकर अपना गुजारा करते थे श्याम्स फादर यूज टू प्लाउ द क्रॉप हिमसेल्फ एंड रीप दैट क्रॉप हिमसेल्फ श्याम के पिता खुद ही फसल जोतते और खुद ही उस फसल को काटते थे श्याम ऑल्सो यूज टू हेल्प द विलेजर्स इन स्मॉल डेली चोर्स श्याम छोटे मोटे रोजमर्रा के कामों में गांव वालों की मदद भी करता था ऑल द विलेजर्स व मोर हैप्पी देन हिम सब गांव वाले उससे बड़े कुश थे वन डे श्याम्स फादर वॉज वेरी सैड एंड वेरी वरीड एक दिन श्याम के पिता बहुत उदास थे और बड़े ही चिंतित थे श्याम आस्ट हिज फादर फादर वाई आर यू सो वरीड श्याम ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हो सो द फादर सेट दैट सन आई एम नॉट वेल नाउ अडेज तो पिताजी ने बोले कि बेटा मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती द टाइम फॉर द कल्टिवेशन ऑफ आर लैंड इज ऑल्सो नियर हमारी जमीन के जोधने का समय भी नजदीक आ गया है इफ द लैंड इज नॉट एडेड बिफोर द टाइम देन द क्रॉप विल नॉट ग्रो इन टाइम अगर वदत से पहले जमीन नहीं जोधी गई तो फसल भी वदत में नहीं उगेगी श्याम्स फादर सेड दैट यू आर टू यंग फॉर दीज वर्क्स यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज नाउ श्याम के पिताजी बोले कि तुम अभी बहुत छोटे हो इन कामों के लिए तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो आई यू ऑफ द एज ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स तुम्हारी अभी खेल कूदने की उम्र है दिस श्याम फादर लेफ्ट फ्रॉम देयर। यह कहकर श्याम के पिताजी वहां से चले गए वन डे थीव्स कम टू देर विलेज एट नाइट एक दिन उनके गांव में रात को कुछ चोर आ जाते हैं विलेज एवरी डे एंड रन अवे चोर रोज उनके गांव में चोरी करते और भाग जाते the thieves were so clever that क्लेवर दैट never caught। चोर इतने चलाक थे कि कभी पकड़े नहीं जाते थे द थीव्स would स्टील एंड हाइड बिहाइंड ट्रीज outside the द विलेज एंड देन वेट फॉर नाइट फॉल चोर चोरी करके गांव के बाहर पेड़ के पीछे छुप जाते थे और फिर रात होने का इंतजार द विलेजर्स वेरी अपसेट फॉर विच द विलेजर्स ऑल्सो सेट अप अ पंचायत एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ वेज टू कैच द थीव्स गांव वाले बड़े परेशान थे जिसके लिए गांव वालों ने पंचायत भी बिठाई और तरकीब सोचने लगे कि चोरों को कैसे पकड़ा जाए श्याम वॉज ऑल्सो सिटिंग इन दैट पंचायत सभा लिस्निंग टू ऑल दिस उस पंचायत सभा में श्याम भी बैठा ये सब सुन रहा था द नेक्स्ट मॉर्निंग श्याम आस्ट हिज फादर टू गो आउट ऑफ द विलेज टू द ट्री अगली सुबह होते ही श्याम ने अपने पिताजी को गांव से बाहर उस पेड़ के पास जाने को कहा श्याम सेट टू हिज फादर दैट फादर वट एवर आई विल टेल यू यू जस्ट से यस सन श्याम बोला अपने पिताजी को कि पिताजी जो भी मैं आपको बोलूंगा आप बस हाँ बेटा बोलना दिस बोथ श्याम एंड हिज फादर रीच्ड आउट ऑफ द विलेज टू द ट्री वेर ऑल द थीव्स व हाइडिंग यह कहकर दोनों श्याम और उसके पिताजी दोनों गांव से बाहर उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां वो सरे चोर छुपे हुए थे श्याम टोल्ड हिज फादर फादर यू डिड वेरी वेल दैट यू बेरीड ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर इन द हाउस इन योर फील्ड श्याम ने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आपने बहुत अच्छा किया कि घर में सारा सोना और चांदी आपने अपने खेत में दफना दिया इवन इफ द थीव कम टू आर हाउस दे विल गेट नथिंग अगर चोर हमारे घर में आ भी गए तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा श्याम सेड यू डिड दिस वर्क वेरी वेल श्याम बोला यह काम आपने पिताजी बहुत बढ़िया किया आफ्टर दिस श्याम्स फादर सेड यस सन एंड फ्रॉम द बोथ ऑफ देम रिटर्न टू द होम इसके बाद श्याम के पिताजी ने बोला हा बेटा और वहां से दोनों अपने घर को वापस आ गए द थीव्स वर लिसनिंग टू ऑल श्याम्स वर्ड्स विद ग्रेट अटेंशन एंड दे वेटेड फॉर नाइट फॉल श्याम की सारी बातें वो चोर बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने रात होने का इंतजार किया द नेक्स्ट मॉर्निंग वेन शाम फादर वेंट टू हिस्स फार्म विद ही व सरप्राइज टू सी इट अगली सुबह जब शाम के पिताजी श्याम के साथ अपने खेत में गए तो देखकर हैरान हो गए सम्लाव द फार्म फील सॉयल ओवरनाइट उनका सारा खेत किसी ने रातों रात जोत दिया था

कि शायद भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया ऑल द विलेजर्स वर वो सरप्राइज टू हियर दिस यह सुनकर सारे गांव वाले भी हैरान थे अनाद मेरेकल और चमत्कार हो गया उस रात चोर भी चोरी करने नहीं आए द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी गांव वाले बड़े खुश थे आफ्टर अ फ्यू डेज The villagers came to know that the thieves had fled from the village in shame. थोड़े दिन बाद गांव वालों को पता लगा कि चोर शर्म के मारे गांव से भाग The thieves had fallen into the trap of a little child's words and had ploughed the whole field soil that night. चोर एक छोटे से बच्चे की बातों के जाल में फंस गए थे और उस रात सारा खेत जोध डाला था आफ्टर दोस्व रियलाइज दैट वी हैड बिकम वेरी स्टूपिड उन चोरों को बाद में महसूस हुआ कि हम बहुत बड़े बेवगूफ बन गए ड्यू टू विच दोस्त हीव्स रन अवे इन शेम जिससे वो चोर शाम के मारे भाग गए द विलेजर्स थैंक्ड श्याम एंड प्रेस्ड हिम फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग गांव वालों ने श्याम को धन्यवाद बोला उसकी समझदारी और सूझबूझ की तारीफ की श्याम वॉज ऑल्सो गिवन अ रिवॉर्ड फ्रॉम द विलेजर्स श्याम को गांव वालों के तरफ से इनाम भी दिया गया आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द क्रॉप्स ऑल्सो स्टार्टेड वेविंग इन शाम्स फील्ड थोड़े महीने बाद श्याम के खेतों में फसलें भी लहराने लगी मोरल ऑफ द स्टोरी कहानी का नैतिक वी शुड नेवर गिव अप हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए Every problem should be faced firmly. हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए A solution should be found to get out of any problem in a big way. धेरा पूर्वर किसी भी मुसीबत से निकलने का हल ढूंढना चाहिए So, dear children and parents, how do you appreciate our video? Please leave your comments in the comment box. Please remember to लाइक like and सब्सक्राइब to our channel, Knowledge वीटो thank you and goodbye and we will return soon with our new informative